चुनावी साल में सियासी पार्टियों में कार्यकर्ताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोटा में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर पहुंचकर शिवसेना के पदाधिकारियों सहित करीब 3 दर्जन अन्य युवाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस में शामिल हुए इन युवाओं को पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने माला पहनाकर स्वागत किया। धारीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार से समाज के हर तबके का मोह भंग हो रहा है और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की आमजन तारीफ करके आगामी चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलवाने का मन बना चुका है। ये कोटा में जो शिवसेना का संगठन बना हुआ है उसके सचिव और बाकी सब पदाधिकारी, ये कुल मिला के 35 नौजवान लड़के हैं जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो मैं तो इनका स्वागत करता हूं क्योंकि इन्होंने अपनी विचारधारा भी बदली है, विचारधारा के साथ साथ कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया है। तो ये सभी जो है नौजवान साथी जो है निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा करके और यहाँ के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को जिताने की प्रयत्न करेंगे।